नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है दोस्तों सल्फर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत ही फेमस मेडिसिन जिसका नाम है दोस्तों सल्फर। प्रायः सभी लोग इस मेडिसिन का नाम जानते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सल्फर मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि यह हमारे शरीर में कहां कहां असर करती है, किन किन बीमारियों में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 20 ऐसे लक्षण के बारे में, टॉप 20 ऐसी डिजीज के बारे में आपको जानकारी दूंगा जिसमें सल्फर मेडिसिन का यूज किया जाता है, और किन किन मेडिसिनों के साथ इसकी तुलना की जाती है वीडियो के साथ में ही आपको बताते चलूंगा, और आपको यहाँ मेडिसिन किस पोटेंसी में यूज करनी है, कब तक रेगुलरली इस मेडिसिन का आपको यूज करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। क्या सल्फर मेडिसिन के एग्रावेशन होते हैं और क्या सल्फर मेडिसिन के एमुलेशन होते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझे और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीज है या आप किसी डिसीज से सफर कर रहे हैं उससे रिलेटेड यदि आप मेडिसिन जानना चाहते हैं तो रात्रि 8:30 बजे आप हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली रात्रि 8:30 बजे मैं लाइव आता हूं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका मैं सॉल्यूशन करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेंगे कि सल्फर का पेशेंट देखने में हमें किस तरह से देखने को मिलता है। सल्फर का जो पेशेंट होता है बहुत ही ज्यादा दुबला पतला होता है और हमेशा झुककर वहां चलता है, और मेंटल सिम्टम की यदि हम बात करें तो वह अपने आप को राजा समझता है, पर वह राजा होता नहीं है, अपने आप को राजा समझता है, मैं हूं तो कोई नहीं, इस तरह का उसका मेंटल सिम्टम होता है। इस तरह के उसके मेंटल लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। नहाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। सल्फर की जो स्किन होती है वह डर्टी होती है, गंदी सी होती है देखने में, और वह साफ सफाई से रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। प्रेस वाले कपड़े भी उसे पहनने उतने ज्यादा पसंद नहीं होते, जो मिल जाता है वह पहन लेता है। इस तरह के लक्षण पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से लक्षण यदि आपके हैं तो आप सल्फर मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो आइए आप जान लेते हैं कि किन लक्षणों में हम इस मेडिसिन का यूज करेंगे, क्या डिसीजों में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह एंटीसूरिक मेडिसिन है, किंग ऑफ एंटीसूरिक मेडिसिन है, और सोरा एक मियाज्म होती है जब सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी काम करना बंद कर देती है, उसके बाद इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। जैसे आप नक्सभूमिका आप यूज कर रहे हैं, नक्सभूमिका आपने यूज करी, आप 100% नक्सभूमिका के पेशेंट्स हैं, 100% आपके लक्षण नक्सभूमिका से मैच कर रहे हैं, और आपने नक्सभूमिका 5 दिन यूज करी, कुछ दिन आपको रिजल्ट देखने को मिले, इसके बाद नक्सभूमिका काम करना बंद कर दी, तो आप सल्फर 1 mg का सिंगल डोज ले लीजिए, उसके बाद अपनी मेडिसिन जो है वहां यूज करते रहिए, आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी डिजीज में लक्षण पूरे मैच कर रहे हैं, वहां मेडिसिन आपकी काम नहीं कर रही है, तो आप सिंगल डोज सल्फर 1 mg पोटेंसी का ले सकते हैं, इतनी इफेक्टिव यह मेडिसिन है। तो आइए अब जान लेते हैं किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे तो पेशेंट्स को हमें सल्फर मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। पहले नंबर पे आती है दोस्तों ईचिंग, यह हमारे स्किन डिजीज में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी ईचिंग खुजली की प्रॉब्लम्स है, जिन पेशेंटों को भी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। स्पेशली जो इसकी खुजान होती है, जब भी पेशेंट्स नहाने के बाद आता है और नहाने के बाद उसे जो ठंडी हवा लगती है तो बहुत ज्यादा उसे ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजान होती है, तो उस कंडीशन में सल्फर मेडिसिन का यूज किया जाता है। जब भी पेशेंट रात में बिस्तर में सोने जाता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजान होती है, खुजाते खुजाते पेशेंट खून निकाल लेता है, तो उस कंडीशन में सल्फर मेडिसिन का यूज किया जाता है। 1 कप पानी में 30 पोटेंसियम आपको इस मेडिसिन का यूज करना है, 4 बूंद सीधे डायरेक्ट पानी में डाल लेना है और बराबर मात्रा में मिला लेना है और उस पानी को आपको पी लेना है। इस तरह से इस मेडिसिन का यूज सुबह शाम कम से कम 1 महीने तक इस मेडिसिन का इसी तरह से यदि आप यूज करते हैं तो आपकी फंगल इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम्स है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों एक्जिमा, यदि आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम्स है, काफी लंबे समय से आप परेशान हैं एक्जिमा से, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजान होती है, और इसी तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, तो सल्फर मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में पानी के साथ मिला के आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट आता है दोस्तों फोड़ा फुंसी की प्रॉब्लम्स का होना। यदि आपको वॉइल्स होते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत ज्यादा डर्टी है, एक बार हो जाते हैं फिर से आपको रिवर्स यहाँ प्रॉब्लम्स होती है, बार बार फोड़े फुंसी की यदि आप प्रॉब्लम से परेशान है, तो सल्फर मेडिसिन 30 पोटेंसी में आप यूज करें। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीव में आपको यूज करना है, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम को। कम से कम 1 महीने तक इस मेडिसिन का आप यूज करते हैं तो वॉइल्स फोड़े फुंसी की जो प्रॉब्लम है आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों का पाइल्स के केस में, यदि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स में जब भी आप स्टूल पास करना जाते हैं तो पाइल्स में आपको जलन महसूस होती है, बहुत ज्यादा वहां पे जलन होती है, ठंडे पानी से जैसे ही आप साफ करते हैं तो आपकी जलन बढ़ जाती है, तो उस केसेस को पाइल्स के केसेस में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। 200 पोटेंसी में सिंगल डोज मॉर्निंग के में आपको लेना है, कम से कम 25 दिन तक इस मेडिसिन का यूज करना है, इसके बाद मेडिसिन यूज करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, बहुत ही अच्छा काम करती है। पाइल्स के केस में आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों फिसर के केस में आप बहुत ही अच्छा काम करती है, जब स्किन बार बार क्रैक हो जाती है और क्रैक होने के साथ उसमें हल्की सी जलन होती है, बहुत ज्यादा इचिंग और खुजान आपको होती है और वहां पे दर्द हमेशा आपको बना रहता है, तो फिसर के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। फिसर के केस को ठीक करने के इस मेडिसिन का यूज 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जी में मॉर्निंग में आपको करना है, रेगुलर 15 दिन तक यूज करना है, इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों इसका कॉन्स्टिपेशन में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल होता है, कब्ज की उन्हें प्रॉब्लम होती है, पेट प्रॉपर तरीका से साफ नहीं होता, मॉर्निंग में उन्हें बहुत ज्यादा कब्ज की प्रॉब्लम होती है, जब भी वह स्टूल पास करने जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार स्टूल पास हुआ है फिर से हमें जाना चाहिए, तो उस केसेस में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। स्टूल बहुत हार्ड होता है, बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव होता है, और तो उस केस में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। 200 पोटेंसी में दिन में एक ही बार आपको यूज करना है, कम से कम रेगुलर 15 दिन तक इस मेडिसिन का यूज करेंगे, इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन करने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। नक्स भूमिका के साथ इसकी तुलना की जाती है, नक्स भूमिका में भी पेशेंट्स को यहाँ देखने को मिलता है कि वहां एक बार स्टूल पास करने जाता है, स्टूल बहुत हार्ड होता है और फिर से उसे ऐसा लगता है कि फिर से हमें स्टूल पास करने जाना चाहिए, तो नक्स भूमिका के साथ इसका कंपेरिजन किया जाता है, पर नक्स भूमिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो अलग होता है। मैंने नक्स भूमिका के ऊपर मेरा दूसरा वीडियो है, वहां वीडियो आप मेरा नाम डाल के सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां वीडियो मिल जाएगा, तो आप कंपैरिजन करके इस मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट लक्षण इसका हमें देखने को मिलता है दोस्तों वर्निंग के केस में, जिन पेशेंटों को भी हमेशा यूरिन पास करते समय जलन होती है तो उस केसेस में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। यूरिनेशन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। जब भी पेशेंट्स यूरिन करने जाता है, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है और यूरिन पास करते समय जलन होती है तो सल्फर 30 पोटेंसी का यूज किया जाता है। यदि यूरिन के साथ हल्का सा ब्लड भी आ रहा है और जलन महसूस हो रही है तब भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में सुबह शाम कंटिन्यू 1 महीने तक यदि आप इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो क्रोनिक से क्रोनिक बर्निंग मैच्यूरेशन की जो प्रॉब्लम्स है आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है दोस्तों डेंड्रफ के केस में, यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका जो पेशेंट्स होता है बहुत ही ज्यादा डर्टी होता है और जिन पेशेंटों को भी बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है स्कैल्प में और रूसी बहुत ज्यादा झड़ती है, बालों को हिलाते हैं और यहाँ पे पूरी सफेद सफेद करके रूसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। पेशेंट्स को बहुत ज्यादा रूसी हो जाती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, कई बार पेशेंट खुजाते खुजाते खून निकाल आता है, तो उस केसेस को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। पर इस केस को ठीक करने के लिए कुछ अदर फार्मूले हैं इस मेडिसिन को यूज करने के। 1 कप पानी लेना है, 30 पोटेंसी की 4 बूंद सीधे डायरेक्ट आपको पानी में डाल के मिला लेनी है, आधा पानी पी लेना है और आधा जो बचा पानी मेडिसिन है वह आपको फेंक देनी है, आधी मेडिसिन आपको लेनी है। इसी तरह से सुबह शाम कंटिन्यू कम से कम 1 महीने तक इस मेडिसिन का इस तरह से आप यूज करते हैं तो रूसी डेंड्रफ की जो प्रॉब्लम है, बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों गैस के केस में, यदि आपको गैस बनती है, डाइजेशन आपका प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाता तो उस केस को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। पेट प्रॉपर तरीका से साफ नहीं होगा, गैस हमेशा बनी रहेगी, खट्टी डकार का होना, आहार नलिका में जलन होना, तो उस केस को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं तो गैस एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों लिकोरिया के केस में, यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन फीमेल को लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, लिकोरिया उनका मॉर्निंग के टाइम होता है, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होता है और स्मेल भी ऑफेंसिव उसमें आती है, तो आप सल्फर 30 पोटेंसी में यूज करें, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 1 महीने तक इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो लिकोरिया की जो प्रॉब्लम्स होती है फीमेल्स के केस में वह ठीक हो जाती है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों मेंसेस के केस में, फीमेल्स में जब मेंसेस इररेगुलरिटीज हो जाती है और जो
उनका ब्लड होता है बहुत ज्यादा डार्क होता है और थोड़ा सा ऑफेंसिव होता है, तो उस केस में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। इरेगुलर होता है, टाइम टू टाइम पीरियड नहीं आता, कभी पीरियड मिस हो जाता है, तो उस केस में ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 200 पोटेंसी में दिन में एक बार रेगुलर कम से कम 20 दिन तक यदि इस मेडिसिन का वहां यूज करते हैं तो जो मेंसेस होते हैं उनके टाइम टू टाइम आने लगते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट लक्षण सल्फर का हमें यह देखने को मिलता है जिन फीमेल्स और बॉयज को हमेशा पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, माथे में बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं और उनकी स्किन डर्टी दिखती है और पिंपल्स में हल्का हल्का दर्द उन्हें महसूस होता है और नई एज में यंग एज में उन्हें यहाँ प्रॉब्लम्स होती है, तो सल्फर मेडिसिन का यूज किया जाता है। उस केस को ठीक करने के लिए 200 पोटेंसी में दिन में एक बार कम से कम 15 दिन तक यदि इस मेडिसिन का यूज मॉर्निंग में 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जी में इस मेडिसिन का लेते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। एक्ने पिंपल्स में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों अस्थमा के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी अस्थमा की प्रॉब्लम्स होती है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, सुबह मॉर्निंग में 11 बजे उनके बहुत ज्यादा दर्द होता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो उस केस में सल्फर मेडिसिन का यूज किया जाता है। सल्फर 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का यूज करना है। कम से कम रेगुलर 25 दिन तक इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो उनकी धीरे धीरे करके यह प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है, पर प्रॉपर तरीके से ठीक करने के लिए डॉक्टर की कंसल्टेंसी आपको लेना चाहिए अस्थमा के केस में। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों ब्रोंकाइटिस के केस में, यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो 30 पोटेंसी का यूज करेंगे 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को, उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों इंसोमिनिया के केस में, जिन पेशेंटों को भी नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती तो नींद ना आने की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सल्फर मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस केसेस में सल्फर 200 पोटेंसी में दिन में एक बार कम से कम 10 दिन तक इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो नींद उनकी प्रॉपर टाइम पे आने लगती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों एंजाइटी के केस में, बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को हमेशा एंजाइटी होती है, टेंशन उनके हमेशा दिमाग में बनी रहती है, तो उसमें 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। रेगुलर कम से कम 15 दिन तक 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जिम में आपको यूज करना है 15 दिन तक, इसके बाद मेडिसिन रिपीटेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। एकोनाइट के साथ इसकी तुलना की जाती है, एकोनाइट की क्रोनिक सल्फर है, जब भी एकोनाइट काम करना बंद कर देती है या पेशेंट्स की प्रॉब्लम क्रोनिक हो जाती है तो सल्फर मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों बॉडी पेन में, यह जब पूरे शरीर में हमें दर्द महसूस होता है, अचानक से सीवियर दर्द होने लगता है और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यदि पेशेंट्स का मैच करता है तो उस केस में सल्फर मेडिसिन यदि आप पेशेंट्स को देते हैं तो पेशेंट्स की जो ऑल कॉम्प्लेंस होती है, बॉडी पेन होना, इंसोमिनिया होना, अस्थमा की प्रॉब्लम होना, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, इस तरह के जो भी लक्षण होते हैं धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, हमारे पूरे शरीर में असर करती है, एंटीसोरिक मेडिसिन है। यदि मैंने जो भी आपको लक्षण बताया हूं इस तरह से इसी मेडिसिन का आप यूज करेंगे, लक्षण मैच करके यदि आप मेडिसिन यूज करेंगे, डिसीज में साथ में आपको बताते चला हूं इस तरह के लक्षण में इस मेडिसिन के यदि आप यूज करते हैं तो आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वह पूरी धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यदि हम मेडिसिन की यदि हम आपको बात जानकारी देते हैं, हालांकि मैंने आपको जानकारी दी है किस केस में किस मेडिसिन का आपको यूज करना चाहिए, पर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को, कम से कम एक महीने तक इस मेडिसिन का आपको यूज करना है। 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है दिन में एक ही बार आपको सीधे डायरेक्ट जी में, 25 दिन तक इस मेडिसिन का यूज करना है, इसके बाद मेडिसिन का आपको रिपीटेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों 1 पोटेंसी में, इस मेडिसिन का यूज सप्ताह में एक बार 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जी में किया जाता है, इसके बाद इस मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं किया जाता है। एक महीने तक 4 बूंद सप्ताह में आप ले सकते हैं, इसके बाद मेडिसिन का आपको रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। दोस्तों यदि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आप हमसे प्रॉपर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई, स्क्रीन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अब जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कुछ परहेज के बारे में, जो मेडिसिन यूज करते समय हमें परहेज अवश्य करने चाहिए। पहले नंबर पे आता है कच्चा प्याज, आपको कच्चा प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। दूसरे नंबर पे आता है कच्चा लहसुन, कच्चा लहसुन का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि सब्जी में डल रहा है तो सब्जी के साथ आप यूज कर सकते हैं, जैसे टमाटर सब्जी में डल रहे हैं तो आप ले सकते हैं। खटाई बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, नींबू का अचार या कच्चा नींबू आप रस लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, और किसी भी प्रकार का कोई भी अचार खटाई आपको यूज नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये परहेज हमें इसलिए करने हैं क्योंकि यह जो मेडिसिन की पावर होती है, जो मेडिसिन का डोज हम ले रहे हैं, जैसे 1 पोटेंसी 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी में हम इस मेडिसिन को ले रहे हैं, तो इसके डोज को
इसकी जो मात्रा होती है हमारे शरीर में कम असर करती है और हमें कम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह से होम्योपैथिक में परहेज किए जाते हैं। आप बिल्कुल परहेज करें और आप हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।